बिहार के सिवान में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक ने पहले फेसबुक पर अपने अपहरण की जानकारी दी और अगले ही दिन उसका शव पेड़ से लटका मिला। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। यह मामला दरौंदा थाना क्षेत्र के धनोती गांव का है। मृतक के परिजन किडनैप के बाद हत्या की आशंकाएं जता रहे हैं। मृतक राजा कुमार गुजरात की कंपनी में नौकरी करता था। वह दो दिन पहले ही गाँव लौटा था और अपने दोस्तों से मिलने चला गया था, तभी किसी ने उसका अपहरण कर हत्या कर दी और उसके शव को पेड़ से लटका दिया। मृतक राजा ने मौत से पहले ही फेसबुक पर अपने अपहरण की बात कही थी। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले ही मृतक राजा कुमार की पत्नी आपसी विवाद के चलते कमरे से पंखे में फांसी लगाकर हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले ही मृतक राजा कुमार की पत्नी ने आपसी विवाद के चलते कमरे में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद उसकी पत्नी के परिजनों ने राजा कुमार को और उसके परिवार के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। तब से वे लापता रहते हैं। फेसबुक लाइव पर उन्होंने कहा था कि ससुराल के लोग उनकी हत्या कर देंगे। घटना की सूचना के बाद दौरंदा थाना अध्यक्ष कैप्टन सहनाज वाज मौके पर दल बदल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। पुलिस का कहना है कि फेसबुक और अन्य सबूतों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।